अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में अब एक दिन बाकी है। अयोध्या को लेकर तैयारियां जोरों पर है, सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। पूरी अयोध्या नगरी किले में तब्दील हो गई है। ब्लैक कैट कमांडो, बख्तरबंद गाड़ियां, एंटी ड्रोन सिस्टम, AI से लैस कमांड कंट्रोल सिस्टम के साथ हजारों जवान और अफसर सुरक्षा व्यवस्था में लगाए गए हैं। राम मंदिर की सुरक्षा के लिए 3 स्तरीय सुरक्षा बल तैनात किया गया है, जिसमें मंदिर और उसके आसपास तैनात UP, SF, CRPF और PAC द्वारा किया जाएगा। अयोध्या में भव्य राम मंदिर को 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान परिसर और आगंतुकों की उच्च स्तरीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़ी सुरक्षा से कवर किया गया है। विशेष सुरक्षा बल द्वारा 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार मंदिर की सुरक्षा के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और प्रादेशिक सशस्त्र कांस्टेबुलरी PAC को तैनात किया गया है। बता दें कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड द्वारा अत्यधिक विशिष्ट आतंकवाद विरोधी रणनीति में प्रशिक्षित लगभग 100 SSF कमांडो को मंदिर परिसर में और उसके आसपास प्रमुख सुविधाजनक बिंदुओं पर तैनात किया गया है। इस बीच गर्भगृह की घेराबंदी के लिए मुख्य मंदिर में CRPF के जवानों को तैनात किया जाएगा, जहां भगवान राम की मूर्ति रखी गई थी। CRPF 90 के दशक से राम जन्मभूमि की सुरक्षा कर रही है। SSF अधिकारी विवेक श्रीवास्तव ने TOI को बताया कि राज्य बल, जिसमें सबसे बड़ा घटक यूपी पुलिस और PAC के 1400 कर्मी हैं, को मंदिर के ठीक बाहर रेड जोन में तैनात किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन और CCTV का उपयोग करके सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। रेड जोन के बाहर के क्षेत्रों को येलो चिन्हित किया गया है, जहां PAC और UP सिविल पुलिस के जवान गश्त करेंगे। इस बीच मंदिर के आसपास SSF के जवान गश्त करेंगे। यूपी पुलिस ने मंदिर शहर में कानून व्यवस्था की स्थिति का प्रबंधन करने के लिए अयोध्या में अतिरिक्त बल तैनात किया। शहर में शीर्ष स्तर की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ड्रोन और CCTV लगाए गए हैं। PM की सुरक्षा के लिए SPG मौजूद रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा में मुख्य यजमान के तौर पर शामिल होंगे और राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे। PM की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप SPG भी सुरक्षा व्यवस्था में शामिल रहेगा। पिछले 2 या 3 महीनों से NSG SSF कर्मियों को आतंकवाद विरोधी और अंतर विरोध रणनीति का प्रशिक्षण दे रहा है। ने असॉल्ट राइफल, MP5 बंदूकें और पिस्तौल जैसे हथियारों की सटीक फायरिंग सहित अन्य कौशल प्रदान किए गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं? AP कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सोहागी बाईपास।